किचन साफ करने के टिप्स। खाने का स्वाद अच्छा हो इसके लिए सिर्फ रेसिपी ही अच्छी नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे बनाने की जगह भी स्वच्छ होनी चाहिए। आइए जानते हैं किचन साफ करने के आसान टिप्स। नंबर एक, किचन को सिर्फ सादा पानी से साफ करना काफी नहीं है। किचन प्लेटफॉर्म को हमेशा पानी में विनेगर मिलाकर साफ करें, इससे सफाई भी हो जाएगी और कीटाणु समाप्त हो जाएंगे। नंबर दो, पानी में नींबू और गुलाब जल की कुछ बूंदें मिलाकर किचन स्लैब साफ करें, इससे स्लैब की सफाई हो जाएगी और रसोई खुशबू से महक उठेगी। नंबर तीन, अगर आपकी रसोई में चींटी और कॉकरोच रहते हैं तो इसका कारण है साफ सफाई की कमी। हो सकता है इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी फल या सब्जी काटने के बाद स्लैब को गीले कपड़े से साफ करें। नंबर चार, अगर किचन की टाइल्स पर किसी तरह के दाग धब्बे हैं तो दाग धब्बों को पहले सिरके से पोंछकर उसके बाद गर्म पानी में साबुन मिलाकर साफ करें। नंबर पाँच, किचन की टाइल्स अगर पीली होने लगे तो नमक और तारपीन के तेल से साफ करें। नंबर छः, किचन कैबिनेट को साफ करते समय हैंडल, दरवाजे और खोलने की जगह को अच्छे से साफ करें, ये चीज़ें अक्सर चिकनी हो जाती है। नंबर सात, किचन कैबिनेट के अंदर पेंट करवाएं, इससे कॉकरोच व अन्य कीड़े मकोड़ों से बचाव होगा। नंबर आठ, अगर सिंक में सफ़ेदी जमी है तो पानी में सिरका मिलाकर कुछ देर के लिए सिंक में लगाकर छोड़ दे। लगभग 20 मिनट बाद सिंक को अखबार से साफ कर ले, सिंक चमक उठेगा। नंबर नौ, अगर सिंक जाम हो गया है तो सिंक के छेद में नमक और सोडा डाल दे। कुछ देर बाद सिर्फ सर्फ पाउडर डालकर ऊपर से तेज धार के साथ गर्म पानी डाले, सिंक साफ हो जाएगा। नंबर दस, फ्रिज में से आ रही बदबू को दूर करने के लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करें, बदबू दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को हमारी यह दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।